अक्षय कुमार की OMG 2 का जो है टीजर आ चुका है, जहाँ टीजर को देखते हुए जो है लोग बोल रहे हैं कि स्टोरी प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती है। फिर जो है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जो है पंकज त्रिपाठी यहाँ पे केस करने वाले, जो कि एक धार्मिक व्यक्ति या एक आस्तिक व्यक्ति दिखाए गए, तो ये जो है प्रॉब्लमेटिक है। तो आप बोलेंगे इसमें क्या प्रॉब्लमेटिक है, अच्छा खासा दिख रहा है अक्षय कुमार अपने सनातनी रूप में वापस आ चुके हैं, अपने धर्म से जुड़ रहे, तो ये बहुत गलत सोच है। इसमें जो है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जो है पंकज त्रिपाठी को देखो तैयार होते हुए दिखाया गया, अर्थात वो फिर से केस करेंगे जो OMG वाला, जो फिर से जो है उसको फिर से रिक्रिएट किया जाएगा जहाँ परेश रावल ने केस किया था। इस बार जो है पंकज त्रिपाठी जो है हमारे जो है एजुकेशन सिस्टम ऊपर केस करेंगे, और वहाँ क्या दिखाया जाएगा, LGBTQ एजेंडा। सच में भाई आप सही सुन रहे हैं, LGBTQ एजेंडा को यहाँ जो है भगवान के द्वारा ही हमें जो है अच्छा दिखाया जाने वाला है, भगवान उसको सपोर्ट करते हुए दिखाएंगे। मतलब ये जो प्रोपेगेंडा है इन लोग का, ये जो है खुद उस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, जो लिबरेशन है ना, सेक्स लिबरेशन जो है उसको प्रमोट करते हैं। बहुत सारी फिल्में ये लोग बना चुके हैं उसके लिए बॉलीवुड, लेकिन आपको हमारे हनुमान जी को, आपको हमारे श्री राम जी को, आपको हमारे महादेव जी को, भगवानों को हमारा अपने प्रोपेगेंडा में क्यों घसीटते हो भाई। अब यही बात है कि अक्षय कुमार का जो रोल है महादेव का रोल है, तो ठीक है, तो यहाँ जो है ये दिखाया जाने वाला है, जहाँ तक मेरी प्रिडिक्शन है ये, तो ये जो पंकज त्रिपाठी का जो कैरेक्टर है, इसके जो बेटे हैं, फिर जो स्टूडेंट है, जो भी है, वो एक लड़का है जिसको आत्महत्या करते हुए दिखाया गया, जो ट्रेन के सामने आता था टीजर में आप देख सकते हैं, तो वो जो लड़का है वो या तो अपने जो लिंग है, या फिर जो अपने जो सेक्सुअल जो प्रेफरेंसेस है, या फिर जो अपने जो जेंडर है उसके बारे में कन्फ्यूज दिखाया जाएगा, ये कहा जा रहा है, ये मेरे खुद के पर्सनल ओपिनियन है। तो ये जो है जो आज 50 प्रकार के जो जेंडर बना बता दिए गए हैं, आज 50 प्रकार के आपको सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है कि होमोसेक्सुअल, पैनसेक्सुअल, एसेक्सुअल, बीसेक्सुअल, इतने सारे जो इन्होंने 80 प्रकार के 50 प्रकार के जेंडर खोज कर रखे हैं, अपने सेक्सुअल प्रेफरेंसेस खोज कर रखे हैं, तो इसको जो है इस मूवी में दिखाया जाने वाला है, और उसको भी पॉजिटिव वे में। क्यों? क्योंकि वोकिज्म, प्रोपेगेंडा, सेकुलरिज्म, ये जो है आपके जो है देश में ये तो फैलाना ही जरूरी है, क्योंकि इसको ही तो सपोर्ट मिलेंगे ना भाई, क्योंकि वो के जो है आपको दिल को भी जीतना है, और यही काम करता है बॉलीवुड। क्योंकि आपको क्या लगता है, यहाँ क्या सिंपल कोई भक्त को किसी सिंपल से मुसीबत में दिखा के भगवान उनको संकट से उबारेंगे, ऐसे दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं भाई। बॉलीवुड कुछ करता है तो अपने कुछ एक नियम के अंदर, एक प्रोपेगेंडा के अंदर, एक सीमित जो सोच है उसके अंदर करता है, और ये राइट विंग लेफ्ट विंग वाला आइडियोलॉजी तो आप जानते हैं। तो इसमें जो पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे जो केस करेगा, और ये भी लग रहा है कि इसमें ये भी कहा जाएगा कि आप जो सेक्स एजुकेशन को बढ़ा दीजिए। कौन सा सेक्स एजुकेशन? बायोलॉजी को, जिसको हम जानते नहीं है, उसको तो हम पढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं हम, बाकी सब जो शरीर के अंग है उसके अंदर पढ़ते हैं, लेकिन ये लोग वो नहीं कहना चाहते। ये लोग कहना चाहते हैं कि LGBTQ एजेंडा जो है उसको प्रमोट करो, क्योंकि सेक्स एजुकेशन के अंदर ये लोग वही पढ़ाएंगे, क्योंकि बायोलॉजी में तो हम बहुत सारी चीज़ें जीव विज्ञान, जंतु कोशिका और पादप कोशिका सभी के बारे में पढ़ते ही हैं ना भाई। तो आपको कौन सा सेक्स एजुकेशन चाहिए जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है? सभी को पता है कौन मेल कौन फीमेल है, लेकिन इनको जो है अलग लेवल का जेंडर लाने, जो 50 प्रकार के जो वोकिज्म के नाम पे जो जेंडर फैला रखे हैं विश्व भर में, आज जो वो कंट्री से पूरा आप देख लीजिए, पूरा जहां वहां जो है लोगों को अपने जेंडर के प्रति जो कंफ्यूज किया जा रहा है, इसको जो है ये लोग जो है यहां पे जो है अच्छे तरीके से दिखाने वाले हैं, और हमारे भगवान को इसमें घसीटने वाले हैं। और जहाँ तक मेरी प्रिडिक्शन दिख रही है, और बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट भी कर पा रहे हैं जो कि बॉलीवुड के सच्चाई को जानते हैं, जो सही होती हुई दिख रही है कि पंकज त्रिपाठी का जो स्टूडेंट है या उसका जो बेटा है, वो जो है अपने जेंडर को लेकर कंफ्यूज होगा, या फिर उसको कुछ ऐसे प्रॉब्लमेटिक थिंग होगी जिसके कारण से जो है सोसाइटी उनको जीने नहीं देगी, क्योंकि सोसाइटी तो हरामी है, भगवे झंडे ले लेके जो है उनके पीछे पड़ जाएंगे कि ये तो अधर्म है, विद्रोह है, ऐसे टाइप से, क्योंकि हिंदू ही तो हरामी होते हैं, तो बॉलीवुड के हिसाब से तो ऐसे करके वो लोग जो है उसके पीछे पड़ जाएंगे, जिसको लेकर जो है पंकज त्रिपाठी खुद ये केस अपने हाथों में लेंगे, वो खुद जो है भारतीय एजुकेशन सिस्टम पर केस कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो सेक्स एजुकेशन का है, जबकि बायोलॉजी में आपको हर चीज़ का डिटेल पढ़ा दिया जा रहा है, लेकिन इनको चाहिए LGBTQ एजेंडा, अपने जो जेंडर उसके लेके आप कन्फ्यूज करना है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं किसके साथ क्या करना है, मेरे को कौन से भी मैं जेंडर का हूँ, मैं ये अपने आप में कन्फ्यूज करना है, और यही जो है इन लोग का एजेंडा है, यही इन लोग का प्रोपेगेंडा है, और बॉलीवुड भी इससे छूता नहीं है, और बॉलीवुड तो सबसे ज़्यादा इसका प्रमोट भी करता है। तो यही जो है टॉपिक जो है OMG 2 में आता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है, कोई सिंपल सी स्टोरी होने वाली है OMG 2 में? आप इसके बारे में क्या करने का कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम, हर हर।